वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मेरे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों का शेयर करने वाली हूँ साड़ी के लिए बहुत खूबसूरत सा बन हेयर स्टाइल, जिसको हेयर स्टाइल बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो ये हेयर स्टाइल उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आप आसानी से ये हेयर स्टाइल क्रिएट कर सकते हो, पार्टी में भी बना सकते हो एंड सिंपली आप कहीं जा रहे हो साड़ी बांधी हुई है, तो ये हेयर स्टाइल आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आज मैंने साड़ी पहनी हुई थी तो सोचा कि साड़ी के लिए आप लोग के साथ ये वाली हेयर स्टाइल शेयर की जाए। तो चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि किसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो मैंने अपना न्यू हेयर कलर मंगवा लिया है, जैसा कि मैंने बताया था अपने पिछले हेयर कलर वाली वीडियो में कि ये हेयर कलर भी अच्छा लग रहा है, नेचुरल लुक है, बट मुझे ब्राउन हेयर मेरे फेस पे अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लग रहा है, बट मुझे ब्राउन हेयर कलर करना था तो मैंने फ्लिपकार्ट से हेयर कलर मंगा लिया है। कैसे करना है, कौन सा हेयर कलर है, सब कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, यानी कि कल मैं इसका वीडियो बनाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज का जो वीडियो है साड़ी के लिए खूबसूरत सा बन हेयर स्टाइल, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे मिडिल पार्टीशन से कर रही हूँ, आप चाहो तो पार्टीशन नहीं रखना है मत रखो, साइड रखनी है साइड रखिएगा, आपकी चॉइस है। तो मैं मिडिल पार्टीशन से यहाँ पे हेयर स्टाइल बनाऊँगी, मिडिल पार्टीशन करके बालों को अच्छे से कॉम करेंगे। और आजकल सिल्क लुक बहुत ट्रेंड में है, तो आप सिल्क लुक के साथ ये बन क्रिएट कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छा दिखेगा। तो इस तरीके से मैंने अच्छे से कॉम कर लिया है बालों में। जब भी आप मिडिल पार्टीशन निकालते हो, बीच की मांग निकालते हो, तो मांग को बहुत लंबा मत रखिए, थोड़ा छोटा रखिए, जिससे कि आपका जो लुक है वो काफ़ी अच्छा दिखे। और सिल्क लुक देने के लिए हमेशा आपको इस तरीके की पतली धागे वाली कॉम यूज करनी चाहिए, उससे सिल्क लुक में हेल्प मिलता है। मेरे फ़ोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैंने फ़ोन बनाने के लिए दिया हुआ था, जिसकी वजह से अभी कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। मेरे चैनल पर आपको डेली वीडियोज मिलते हैं हेयर स्टाइल के, डेली कुछ डिफरेंट न्यू करने की कोशिश करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इस तरीके से मैंने बना लिया है पोनी, पोनी को टाइटली बना लेंगे, क्योंकि सिंपल है तो पोनी टाइटली होनी चाहिए। उसके बाद से आपको चाहिए इस हेयर स्टाइल के लिए डोनट बन, डोनट बन को इस तरीके से पोनी के हेयर पे ही लगा देना है, देन पोनी का जो हेयर है उसको ऊपर की तरफ लेंगे और एक पतला वाला रबर बैंड लेंगे इस तरीके से, और इसके ऊपर लगा देंगे। अगर आपको टाइट फील नहीं हो रहा है तो एक बार और इसको होल्ड करके और लगा दीजिए, उनके फिर ये अच्छे से टाइट हो जाएगा। फिर सारे हेयर को जितना भी एक्स्ट्रा हेयर है उसको बीच से इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए और साइड में कर दीजिए, और इसको इस तरीके से फैला दीजिएगा, ऊपर का जो हेयर है जो आपने डोनट में लगाया है इस तरीके से फैला लेना है पहले, और फैलाने के बाद फिर अच्छे से दिख रहा होगा गाइस, फैला लिया है। और दूसरी साइड के हेयर को इस तरीके से डोनट के ऊपर लेके जाएंगे। मेरे हेयर काफ़ी छोटे हैं, अगर आपके लंबे होंगे तो और भी प्यारा सा लुक आ जाएगा आपके बन का। इस तरीके से डोनट के ऊपर से डोनट को कवर करते हुए हाइड करते हुए हेयर को लेके जाएंगे, और जहाँ पे आपका हेयर का एंड ख़त्म हो रहा है वहीं पे आप लुपिंस से इसको सिक्योर कर दोगे, क्योंकि मेरे हेयर छोटे हैं तो पूरा इस साइड तक नहीं आ रहा है, तो मेरा यहीं पे ख़त्म हो गया, मैंने डोनट में ही लुपिंस को लगा दिया है। अब सेकेंड साइड के हेयर को इसी तरीके से सेम लेके जाएंगे और अच्छे से डोनट को हाइड करते हुए सेंटर में ही हमारा हेयर ख़त्म हो जाना है, तो सेंटर में ही इसको सिक्योर कर देंगे डोनट बन के साथ। ओके, दो तीन यूपिंस लगा लीजिएगा जिससे कि आपका जो बन है वो अच्छे से टिका रहे लॉन्ग टाइम तक। इस तरीके से हेयर को कवर करते हुए छोटे वालों में आप ये बना सकते हो हेयर स्टाइल, मेरे हेयर छोटे हैं जिसकी वजह से आपको दिख भी रहा है कि मुझे कितनी दिक्कत हो रही है हेयर स्टाइल बनाने में, तो आप भी छोटे बालों में भी ये वाला हेयर स्टाइल क्रिएट कर सकते हो और अपने लुक को काफ़ी अच्छा बना सकते हो। ओके, इसके बाद से आप अपने हेयर को थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए इस तरीके का फ्लावर वाला यूपिंस ले लो, और जहाँ पे सेंटर में हमने यूपिंस लगाए हैं वहाँ पे आप इसको लगा दो,
सोचिए कि कहीं से अगर आपका यूपिन दिख रहा हो तो इस फ्लावर वाले यूपिन की हेल्प से वो हाइड हो जाए और आपका जो हेयर स्टाइल है काफ़ी अच्छा दिखे। इसके बाद आप अपने हेयर को और भी हेयर स्टाइल को और भी अच्छा लुक देने के लिए दो तीन और फ्लावर वाले यूपिन ले लो, या फिर जो फ्लावर वाला पिन आता है क्लस्टर पिन, उसको भी लेके आप अपने हेयर स्टाइल को कंप्लीट कर लो। क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे हमारा रबर बैंड दिख रहा है इसको हाइड करने के लिए यहाँ पे फ्लावर वाला यूपिन लेंगे और ऐसे लगा देंगे। तो ये ऑलमोस्ट हमारा हेयर स्टाइल डन हो चुका है, बेस्ट है। और सिल्क लुक को कंप्लीट करने के लिए, ऐसे तो हमारा सिल्क लुक कंप्लीट होगा नहीं, तो आपको लेना है सेटिंग स्प्रे, पतले दांतों वाली फॉर्म पे इस तरीके से लगाना है, देन ऐसे अच्छे से जितना फ्लैट लुक देना है आप कॉम की मदद से सेटिंग स्प्रे लगा दोगे तो आपका ये जो आपने सिल्क लुक बनाया है ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और बिल्कुल भी आपका जो हेयर स्टाइल है वैसे का वैसे रहेगा। ऐसा नहीं है कि बाद में आपके बेबी हेयर दोबारा से शो होने लग जाएंगे और आपका हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा दिखेगा। अब आपको यहाँ पे अगर जैसे मैंने मेरे फ्लिक्स कटे हुए हैं, जैसे कि बैंग्स कटे हुए हैं, जिसकी वजह से मेरा जो हेयर का लेंथ है वो काफ़ी शॉर्ट है, जिसकी वजह से यहाँ पे इस तरीके से निकल जा रहा है, तो आप इसके लिए इस टाइप की बॉबी क्लिप्स जो आती हैं वो ले लोगे और अपने सिल्क लुक को कम्प्लीट करने के लिए ऐसे लगा दोगे यहाँ पर। देखिए कितना अच्छे से मैनेज हो गया है। दूसरी साइड भी सेम इस तरीके से लगा देंगे और ये है मेरे बन का पूरा फाइनल लुक। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इस तरीके की वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इंस्टा आई डी PreetyY24 वहाँ पर जरूर जाइए मेरी रील्स वीडियो देखने के लिए। और सेकेंड चैनल पर स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड ऑल वीडियोज लेकर आते रहती हूँ, तो वहाँ पर भी जाइए, और स्किन प्रोडक्ट भी लेके आती रहती हूँ तो वहाँ पे भी जाके और उसको देखिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये वाले कुछ पिक्स मैंने क्लिक किए थे इस हेयर स्टाइल के साथ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि आप भी जब इस टाइप का हेयर स्टाइल बनाओगे तो कुछ इस तरीके का लुक आपके लिए भी होगा, तो आप इस तरीके से पिक्स वगैरह क्लिक करवा सकते हो। तो कैसा लगा आप लोग को आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय गाइज़।